वाह चिकन ड्रमस्टिक्स बढ़िया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट रहे होंगे। अभी एक्चुअली मैं पीजी में आया हूँ और पीजी में कल्याण ब्रो और मैं अभी हम लोग जो कि अभी चिकन के साथ है कि घी राइस बनाने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू मेक टुडे? घी राइस एंड चिकन करी। घी राइस एंड चिकन करी, वाओ नाइस। सो टुडे आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक फुल्ली वायरल। घी राइस एंड चिकन करी इन पीजी देसी स्टाइल इन कंट्री स्टाइल वी आर गोइंग टू मेक। सो नाउ वी आर कटिंग ओनियन। अभी हम टमाटो काट रहे हैं। अभी प्याज को जो है कि हमें पानी में थोड़ा भिगो दिए हैं। पानी में थोड़ा अभी उसको सोक करने के बाद वो ज़्यादा अभी आँख में ज़्यादा जलेगा नहीं तो परेशान नहीं होगा काटने में। टमाटो अभी देखिए किस कट रहे हैं। प्याज और ये जो टमाटो है, टमाटो कटिंग पीसेस सब ग्राइंडिंग करने के लिए रेडी हो गया। अभी ग्राइंडिंग करेंगे उसको, अच्छे से मसाला पीस लेंगे पूरा। उसके साथ थोड़ा हम ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। अभी टमाटो और प्याज और थोड़ा ग्रीन चिल्ली, देख सकते हैं ग्रीन चिल्ली ऐड हो गया। अभी हम ये जो कि ग्राइंडिंग करने के लिए रेडी हो गया है। टमाटो, ओनियन और ग्रीन चिली पूरा अच्छे तरह से ग्राइंडिंग हो चुका है, पूरा मिक्स हो चुका है। आप कौन हैं? काली भाई आप? काली भाई तो घर चले गए आज भाई। अभी पूरा डायरेक्ट मसाला सब कुछ डाल दिया हूँ ना, मसाला नहीं, ऑनियन और टमाटो का जो मिक्सचर था पेस्ट था वही। अरे भाई ये लेकिन नया रेसिपी है। अभी ये मिक्स डालने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हल्के से अभी मिक्स करना है उसको। इसमें जो इतना पुदीना और ये पुदीना और मिंट लीफ कोरिएंडर शिखर भाई, ये क्या क्या है? स्मीन, करी पत्ता, कोरिएंडर लीफ, कोरिएंडर लीव्स। अभी हम जो कि कोकोनट ड्राई कोकोनट पाउडर बनाने जा रहे हैं जो कि टेस्टी और भी ग्रेवी को थोड़ा और टेस्टी बनाएगा और बढ़िया से फ्लेवर देगा। ये है हमारा ड्राई कोकोनट पाउडर। हिस्सा पकड़ो तुम्हारा हाथ से, मैं चिकन ऐड करता हूँ।
put in water also, hot water. The spice is mixed. The water is cold. चिकन ड्रमस्टिक्स बढ़िया, थोड़ा गर्म पानी दे देंगे, जो कि गर्म पानी नॉन वेज के लिए बहुत बढ़िया होता है। ऑलवेज यूज हॉट वाटर, डोंट नेवर यूज लाइक कोल्ड वाटर। सो अभी हम जो कि अभी कोरिएंडर लीव, मिंट लीव्स और करी लीव्स वी हैव कटेड ऑलरेडी, वी हैव चॉप्ड ऑलरेडी, सो वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दिस। अभी वो सब कुछ हम ऐड कर दिए। अभी ड्राई कोकोनट पाउडर जो अभी हमने आपके सामने बनाया है अभी ग्राइंडर से, वो भी हमने ऐड कर दिया फ्लेवर के लिए। एक ये ड्राई कोकोनट पाउडर डालने से एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अभी देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आ रहा है, करी का बढ़िया कलर आ रहा है। अभी मिक्स करने ऐड करने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे मिक्स करना है। मिक्स करने से क्या है कि जो सारे मसाला हैं वो चिकन के अंदर तक जाएगा पूरा, वो अच्छे से मिक्स होगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी आता है। आप लोग देख सकते हैं एक जो कि हमने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा फ्लेवर दिख रहा है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है। ये जो ऑयल दिख रहा है ना, ये ऑयल नहीं है ज़्यादा, बहुत कम ऑयल यूज हुआ है, लेकिन हम इसी तरीके से बनाए तो बहुत अच्छा लजीज दिख रहा है पूरा। अभी ये बासमती राइस है जो कि घी राइस बनाने जा रहे हैं। अभी चॉप्ड ओनियन है, चॉप्ड ओनियन और चॉप्ड चिल्ली है घी राइस के लिए। ये सब कुछ हम यूज़ करेंगे अभी, बढ़िया सा घी राइस बनाएंगे। ये जो ऑल स्पाइसेस भी है, ये जो सारा स्पाइसेस है कहीं से भी कोई भी ग्रोसरी के स्टोर से मिल जाएगा आपको। और हम ये जो कि मिंट लिप्स और कोरिएंडर लिप्स, ये दोनों भी ऐड करेंगे मिक्स करके, तो घी राइस का जो कि बढ़िया टेस्ट आएगा। हम आपको बना के दिखा देंगे कैसे होता है। और ये काश्यू है, काश्यू घी राइस में हम काश्यू ऐड करेंगे। लाइट नहीं है, मिक्स इट वेल। वाओ, सब कुछ ऐड कर दिया ना आप, काश्यू, ग्रीन चिली, कल्याण में बना रहे कल्याण, कोरिएंडर लीव और मिंट लीव्स, सब कुछ ऐड हो गया है अभी। चिकन आप देख सकते हैं क्या है, चिकन वो गजब दिख रहा है चिकन। अभी तो खाने में मत पता चल गया कि कैसा है। और आप लोग भी ऐसे लॉकडाउन में अभी घर पे बनाइए, नया नया रेसिपी ट्राई करिए, और आपके दोस्त भाई और आपके घर के फैमिली के साथ बांटिए, प्यार बांटिए, खाना बांटिए, खाइए और सुस्त रहिए। अभी जो घी राइस जो अभी बना रहे हम, चिकन तो हमारा रेडी है, अभी सब कुछ हम मिक्स कर लिए हैं और अच्छे से थोड़ा मिक्स करके उसको प्रेशर में दे देंगे तो घी राइस भी रेडी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।